काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो भी फिल्म देख रहे हैं फिल्म से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं या जो भी मेल्स हैं जो भी फिल्म को देख रहे हैं, वो लास्ट फिल्म ख़त्म होते होते बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं और काफ़ी उससे कनेक्शन बना ले रहे हैं, अपने आप को भी सोच में पड़ जा रहे हैं। तो वो काफ़ी हमारे टीम के लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और मुझे लगता है इससे बड़ा सक्सेस और कुछ नहीं है कि पब्लिक उसको कनेक्ट कर पा रही है। नहीं नहीं, बिलाल को एक्चुअली थोड़ा सा उसमें सस्पेंस रखा गया है कि दुबई नहीं गया था, वो रियल लाइफ में जो भी इंस्पायर्ड हुए हैं अरेस्ट हुआ था, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लीगल उसमें है। और फिल्म आप लोगों को होप्स अच्छी लगी, मीडिया को अच्छी लगी, और जैसे इन्होंने बताया कि पब्लिकली भी अच्छा एक्लेम मिल रहा है क्रिटिक्स वाइज भी। हमारा इंटेंशन यही था कि लोगों को अच्छी लगे फिल्म, अच्छी हम लोग अप्रोच करें और उसमें सक्सेस हुए हम लोग। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा था क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव था, बहुत ही इमोशनल था। तो एक था मुझे डर काफ़ी स्टार्टिंग से था कि मैं दोनों डिपार्टमेंट संभालते संभालते किसी एक भी डिपार्टमेंट में वीक ना पड़ जाऊँ। तो मैंने कोशिश किया, 100% दिया अपने दोनों डिपार्टमेंट में। तो होपफुली आप लोगों ने फिल्म देखी तो शायद दोनों डिपार्टमेंट में कहीं कोई चुक ना हो, तो बस कोशिश रही हमारी। प्रियंका के डायरेक्शन में काम करके काफ़ी चीज़ें मुझे, जैसे एज एन आर्टिस्ट में काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ तो अच्छा लगा। और इन्होंने एक चीज़ इन्होंने देखा, जो भी स्क्रिप्ट होती है उसके लिए काफ़ी इंटरनल डीपली रिसर्च करते हैं, जैसे स्टोरी में भी इन्वॉल्वमेंट था हम लोग का स्टार्टिंग ऑफ दम भी, हम लोग प्री प्रोडक्शन में थे तभी से ही। और फिल्म को हमने फिल्म के ज़रिए से ही लिया है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ पॉलिटिसाइज किया है या कुछ पॉलिटिक्स के हमारा इंटरनल टीम में रहा है, और प्रमोशन से लेकर के एवरीथिंग टोटली फोकस था हमारा फिल्म मेकिंग। और हम लोगों ने उसमें अचीवमेंट यही हासिल किया कि जो फिल्म आज सामने है आप लोगों को, जो चाहे तो हम लोग उस पर खड़े उतरे। तो फिलहाल दुबई नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग इम्पोर्टेंट एसिड विक्टिम सर्वाइवर को दिए हुए हैं, ना कि बिलाल को। तो ये हमने देखा कि जब ये एसिड अटैक करता है उसके बाद बिलाल पकड़ा जाता है, लेकिन हम लोग उसको इन्फोसाइज नहीं करते कि वो पकड़ा गया, फिर लीगल प्रोसीडिंग में टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ। वो एग्जैक्टली ज़रूर कोशिश करेंगे, डायरेक्टर के ऊपर है जी। नहीं देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं किसी फिल्म का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक होता है वो लोग का कमर्शलाइज किया गया है, जैसे उनका प्रोपोगंडा भी चालू है या जो भी वो लोग मीडिया वाइज भी है, जो भी मौके देख रहे हैं उस तरीके से लोग कर रहे हैं, बट हम लोग कमर्शलाइज लुक के बजाय हम लोग रियलिस्टिक वे में ज़्यादा अप्रोच किए हैं। और हमारा यही है कि अभी यहाँ पे जो इंडिया में अप्रोच हमारा रहा वो सक्सेसफुली क्रिटिक्स वाइज भी अक्लेम हुई है फिल्म, और हमारा प्लान है इसको आगे ले जाने का, अब्रॉड में भी रिलीज का है। तो होपफुली हम लोग लेकिन रियलिस्टिक वे में ही रखे हैं फिल्म को, ना हमने प्रमोशन के टाइम भी ज़्यादा इधर उधर किया है, ना उस तरीके का हम लोगों ने कभी सोच रखा है। हमारे कैमरा मैन थे श्री, और जब हम दोनों की सीन होती थी तो फिर हम लोग तो सेट कैमरा के आगे ही रहते थे। तो हमारे जो कैमरा मैन थे या फिर जो हमारे असिस्टेंट थे वो लोग थे, वो लोग काफ़ी सपोर्ट, क्योंकि पूरी टीम जो है, मुझे लगता है ऐसा नहीं, जो आर्टिस्ट भी थे वो ऐसा नहीं कि वो सीधे सेट पे आए, उन्होंने भी 6 महीना उतना ही मेहनत किया प्री प्रोडक्शन में जितना मैंने मेहनत किया, हर एक सीन को लेके, हर एक पूरे स्टोरी। जब मैं सर्वे के लिए भी गई थी तो पूरी टीम हमारी साथ गई थी, उनकी जो एसिड सर्वाइवर है उनको समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए पूरी टीम गई थी। तो मुझे एक चीज़ है कि जो मेरी टीम है काफ़ी सपोर्टेबल है और काफ़ी अच्छी टीम बन गई है मेरी, तो काफ़ी अच्छा रहा, ईजी रहा मुझे इनके साथ काम करके। Priority is that
टू अचीव पॉजिटिवली इन सोसाइटी, बिकॉज एसिड जो अटैक है इट्स नेगेटिव काइंड ऑफ, अगर हम लोग उसको ज़्यादा इन्फोसाइज करते हैं, उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसा अभी उन्होंने बोला कि दूसरी फिल्म के बात कर रहे हैं, हम पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे नहीं गए हैं, ना पार्टिकुलर हम नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट किए हैं। हमारा टारगेट यह है कि एक आप देखते हैं कि हमारे बीच में जो इस तरीके का इंसिडेंट क्रिमिनलाइजेशन जो होता है, जब हमारे बीच से लोग कैंडललाइट मार्च निकालते हैं, बट सडनली एक आदमी निकलता है वही ये सब सारी चीज़ें करता है, तो ये जो सोच होती है कैसे चेंज होती है, कैसे आगे प्रोग्रेस में आती है और सोसाइटी में कैसे निगेटिविटी फैलती है, उसकी जर्नी को दिखाया गया है। ना कि हमने पार्टिकुलर एसिड अटैक को इन्फोसाइज कर दें और बाकी चीज़ों को जो सोसाइटी का हमारा बैलेंस है उसको गड़बड़ करें, तो फिल्म में बहुत नेचुरल। मैंने वही बोला था कि हम जब इस फिल्म में काम कर रहे थे तो हम काफ़ी जो सर्वाइवर है उनसे मिले थे, चाहे वो लखनऊ की हो या मुंबई की हो, और हमने उनकी स्टोरी भी सुनी थी। वो 7 साल 8 साल के बाद भी उनकी बॉडी अच्छी नहीं हुई थी, इवन आई थिंक 70-80 सर्जरी उन्होंने करा रखा था, फिर भी उनकी बॉडी में वो वैसा वाला इफेक्ट नहीं आ पाया था, वैसा क्या बिल्कुल भी नहीं आ पाया था। तो उनकी बॉडी अभी भी जब आप टच करोगे तो बहुत ही गला हुआ एंड ऑल, आप उसको फील करोगे। देखो हमारी जो फिल्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं, एकदम ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा कि बनावटी दिखेगा, आप देखना पूरी फिल्म में आप स्टार्टिंग से देखोगे तो एकदम ओरिजिनल नॉर्मल जो होता है दिनचर्या जो होता है लोगों का रोज का दिनचर्या होता है, हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, नेचुरल वे में फॉलो किया है। और जो ये बंदी है, जो ये लड़की है, वो काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, पढ़ाई में अच्छी होती है, तो उसने हमेशा अपने आप को जीतने की कोशिश की। जब उसके अब्बा जब चले भी जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उसने अपने अब्बा का सपना पूरा करने की कोशिश की। इस बीच में जो उसके अच्छे चाचा होते थे, जो जिनको वो अपने बाप की नज़र से देखती थी, अपने पिता सम्मान उनको मानती थी, तो उसके बाद जब उनका ये नज़रिया बदला तो उसने फिर भी वो स्टैंड ली। उसकी माँ एक पल के लिए झुक गई थी, अगर आपने फिल्म देखा होगा, उसकी माँ एक पल के लिए झुक गई थी, बट फिर भी वो लड़की नहीं झुकी। तो उसने यही बोला कि जो भी करूँगी अब मैं करूँगी, और उसने क्लास में एक बहुत अच्छा डायलॉग दिया है, ये एसिड का दाग नहीं, ये मेरी जीत का मेडल है। तो हमने उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा मेरी तरफ से, बिलाल की तरफ से। इस फिल्म में जो आपने जैसे बोला, एक ही मैसेज है कि रियल लाइफ में बिलाल ठीक है, रियल लाइफ में बिलाल नहीं होना चाहिए। और एसिड अटैक जैसे इंसिडेंट्स जो हों या कोई भी अदर थिंग्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिल्म ज़रूर देखें, और आपका अप्रिसिएशन और आपका लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा लगा आप लोग ने ये हमारा। देखिए जैसे अभी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कॉरपोरेट्स नहीं है इस फिल्म में, ना तो स्टार है कोई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। बट फिर भी हम लोगों ने सक्सेसफुली अराउंड अच्छे स्क्रीन हमको मिले ऑल ओवर इंडिया, और हम लोगों ने प्रमोशन भी फिर फिल्म को ही लेकर के फोकस किया। ये नहीं कि कुछ उल जुलूल चीज़ें उठाएँ और जिससे हमको पब्लिसिटी मिले, तो हम लोग बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ नेचुरल वे में, रियलिस्टिक वे में ही प्रोजेक्ट किया, और हम सक्सेस हुए। हमारा मेन था कि लोगों को ये फिल्म क्रिटिकली एक्लेम हो, लोग देखें और कहीं ना कहीं कनेक्शन मिले इस फिल्म के थ्रू। अगर 1% भी लोग इस बात को समझते हैं तो हमारी यही विनिंग मोमेंट होगी। मैं यही बोलूँगी कि स्टॉप एसिड अटैक, और बिलाल बनने की कोशिश ना करे कोई, क्योंकि हर लड़की की एक अपनी लाइफ होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने फैमिली में अपने बच्चों को ना सुनने की आदत डलवाएँ। नो मीन्स नो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।